তারা সব মানবী এক বিশাল ধর और जब तक उनकी जान हवा रहेगी तब तक
ये हमेशा अमर रहेंगे, मरने के बाद भी लोगों के बीच रहेंगे, यही अपनी आस्था है और इसीलिए ये पूरे जाते हैं। पारसनाथ बनर्जी भी उसी महापुरुषों की एक कड़ी थे जो अपने जीवन काल में लोगों की टिप्पणियां सुनते रहे, टीका होती रही, बहुत से लोग भलेपुरी भी कहते रहे, लेकिन बिना किसी प्रकार के पारसनाथ जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में महान योद्धा के रूप में अपनी सक्रियता दिखाई, वो अपने आप में विशाल। आप पारसनाथ जी शरीर से हमारे लिए नहीं, लेकिन विचारों से आगे हमारे बीच में है, और जिसके विचार जिंदा होते हैं, जिसके विचार जिंदा होते हैं, मरने के बाद भी शरीर से न रहने के बाद भी वो हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहता है, तो कोई मरता नहीं है। तो भारत आदमी भी ऐसे ही व्यक्तियों में से रहे हैं जो आज शरीर से नहीं है, लेकिन विचारों से आदमी हमारे बीच में है, हमारे पास है, अगर है, अमर है। हम उन्हें अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से कोट-कोट नमन भी करता हूं, और साथ ही साथ श्रद्धांजलि श्रद्धा भी अर्पित करता हूं। साथियों, इतिहास में बात करो, जो भी पैदा हुआ है मृत्यु उसकी तरह है, जो तो हजारों लाखों लोग घोर पैदा होते हैं, लोग आते हैं, लेकिन बीच का एक जो रिश्ता होता है, ये उस क्षण के लिए हमें वियोग की प्रति है डर होता है। ये जानते हैं कि पैदा होना जितना सत्य है उतना ही सत्य मृत्यु होना भी है। यो कहिए कि पैदा होने के साथ साथ मृत्यु भी तय हो जाती है, इसलिए यह कठिन नहीं है, लेकिन पिता पुत्र का सम्मान, पिता पौत्र का सम्मान, पिता पुत्री का सम्मान, सब पत्नी का सम्मान, नाना नाती का सम्मान, दादा दादी और पौत्र का सम्मान, ये सम्मान ऐसे होते हैं जो हमें व्यक्तित रखते हैं। मौत लाखों होती है, लेकिन हम सब पर व्यक्ति नहीं होते, सभाएं तो होती है लेकिन व्यक्ति नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां रिश्ता नहीं आता, तो जो रिश्ता होता है वो हमारे बाप, हमारे पिता से, हमारे भाई से, हमारे मित्र से, हमारे दोस्त से, और पिता पुत्री, पिता पुत्र आदि आदि, ये संबंध होते हैं जो हमें शरीर जानने के बाद व्यतीत रखते हैं। ये स्वाभाविक है, हमारा कोई खौफ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, शुरू होना प्रति वर्ष हमें उसमें रोकना पड़ता है। है जितनी ही है या निश्चय है हमारा बहुत कुछ आश है, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की प्रति आप ही है जिससे हम सभी परवाने हैं, घर के लोग गठित होते हैं, वियोग में आपसे आतुर रहता है, रोते भी हैं, कुछ दिनों के लिए हम गंभीर डूबे भी रहते हैं, लेकिन चूंकि ये कठिन कालीन है इसलिए हम भाई राजीव जी से चाहेंगे कि सही श्रद्धांजलि पारसनाथ बनर्जी को यही होगी
कि आप उनके कारवां को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। वर्दी शराब वर्दी फादर योग्य पुत्र योग्य काका योग्य पुत्र होने के नाते आज साहब भोला जी ने जो पूरे प्रदेश और देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाइयां लड़ी उस अभियान को गति देंगे तो हम समझते हैं अच्छा लगेगा और साथ ही साथ अपने पिताजी के रास्ते पर चल करके पिताजी की स्थिति को सदैव आपको बनाए रखने के लिए ऐसी मेरी चाहत। यद्यपि सारे गुरु राजनीति में लोग विद्वान है जो भारतवासी में थे क्योंकि हमारे कुछ दिन तक एक पत्रिका निकाली थी अम्बेडकर टुडे और जिसमें ये पत्रिका निकालते थे उसमें राजीव रतन जी की सोच इनकी प्रतिभा इनकी लेखनी की ताकत कलोपा जिस दुनिया के तमाम पाठक जिन्होंने न केवल माना बल्कि कुछ लोग इतने प्रसिद्ध किए इतने प्रसिद्ध किए उस पत्रिका को उपलब्ध कराने के लिए सारे प्रेम के मंत्र अंत में उस पत्रिका का प्रकाशन भी बंद करवाने में समर्थ रहा। मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहूं लेकिन उल्लेखनीय की बात ऐसी पहली थी उस पहली बात के आगे तमाम लोग जान गए कि अगर पत्रिका चलती रहेगी तो आज नहीं तो कल परिवर्तन की एक ऐसी आंतरिक नीति के साथ आगे आएगी जिसमें देश के सारे सारे भवन भरोसों में आदमी आदमों की मांग वाले लोग भरपाई होते हैं। तो साथियों इस बात का भी ज्ञात हुआ है कि जैसे हम आज भगवान मानते हैं इनको भी बहुत सारा सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण को भैया के गांव से मौत को ले जाना पड़ा। भगवान राम को भी शरीरों में समाधि लेनी पड़ी। ईसा मसीह को भी सूने पर लटकाया गया। मोहम्मद साहब को भी ईंट पत्थर मैला कुचला और गंदगी देखकर उनको भी अपमानित किया गया। यानी कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति है जिसे हम आराध्य मानते हैं हम भगवान मानते हैं यहां तक कि तथागत बुद्ध को भी उसी धर्म में विकास मूल्य करने से मौत को गले लगाना पड़ा। यानी कोई भी उम्र नहीं हमारे कहने का मतलब कोई भी उम्र नहीं है जो भी करा हुआ है वो मरा उसको मौत आई है परिणाम प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जो सनातन है यानी सर्वथा सत्य है शाश्वत है अप्रकृति के नियम के रूप में पूर्व से स्थापित है उसे हमें घबराना नहीं चाहिए चिंतित नहीं होना चाहिए। ये मान के यही प्रकृति का नियम है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। आज का जरूर है कि हम अपने महापुरुषों की अच्छी बातों को अपने जीवन में गुजारें उस पर चलने की कोशिश करें। ये बहुत हैं जो हमारे सामाजिक संगठनों के महापुरुषों के चित्र लगे हैं इन सब का जीवन संघर्ष रहा है। बहुत से लोग हमारे स्वभाव भी देखे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अमरसिया मानते यहां तक कि भगवान का अवतार मानने वाले लोग डॉक्टर अम्बेडकर को भी भगवान का अवतार मानते
لكن اپنی پوری زندگی ہے بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کو کتنی سزا جھیلنی پڑی تک پک پر کتنا تعلیم ہوا پڑا کس طریقے سے یہاں کے سماجی لوگوں کے ناطے ان کو آئے گئے دن پرتدن اپمان کے کروڑوں جھوٹ پینے پڑے جو بھی بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کو کہا ہوگا لوگ کبھی کبھی اپمانت ہوتے ہیں بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کو روز اپمانت ہونا پڑتا ہے یہ بہت سماج کے لیے بہت سماج کے سماج کو ہٹانے کے لیے اس لیے بابا صاحب گویا جی کافی جیون سنگھرش ہو رہا ہے بہت سماج کو سمان سمان لانے کے لیے آج کی پیڑھی بنانے کے لیے آنے والے بچوں کو اچھی شکشا ملے جس کی دلوں میں بچے آگے چل رہے ہیں وہ عہدیدار بنے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے لکیٹ بنے پروفیسر بنے ویگانک بنے لوگ لوگوں کے پاٹن سے باہر آئے خود سمان سمان کے ساتھ کھڑے ہو سماج کو بھی سمان سمان سے لے کر یہ سپنے کے ساتھ اس سپنے کے ساتھ بابا صاحب جی نے زندگی دی ہے ہم یہاں لوگوں سے کب جائیں مانو گلیما ہمارے بھارتی سنگھان کی بھی سب بیٹا ہے دوسروں کو سمان ہمیں دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہم سمان دیں اور دوسروں کو اپمانت کریں یہ لڑنے دل میں نہیں چلتا سمان پانے کے لیے سمان دینا بھی ہوگا اپنے سمان کی چنتا تو کیا لیکن دوسروں کو اپمانت کر دیا دوسرے کے سمان کے ساتھ کھلواڑ کر دیا یہ دھرم نہیں ہے مانو مانو ایک سمان دکھا تھا جب مانو سمان ہوتا ہے تبھی ہم سمان پانے اور سمان دینے لائق بنتے ہیں اب جو سمان دینے لائق ہوتا ہے وہی سمان پانے والے پاک ہوتا ہے اس لیے آپ کے موقع کو میں اپنے بڑے بھائی شری بابا صاحب موریا جی جن کو شروع کر دیکھ کر اور ان کے کیے گئے کاریوں کی کہانیاں سن کر میں بھی پریرت ہوا اپنے ذاتی جیون سے ہی میں پریرت ہو کر کے اس دشا میں قدم آگے بڑھایا ہمارے لیے پریرنا سوت ہے میں انہیں اتنا نمن کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وشیش روپ سے کروڑ کوٹی کی طرف بھی جہاں سے رسول اللہ جی نے اپنے سامانی پرتن کی لڑائی کی شروعات کی صحیح معنی میں اس پورے پردیش میں جونپور کو
उनके समान परिवर्तन करना का विदेश होना चाहिए। तो मुझे जवाब पूरे लोग हम लोग आम पहले सुनते मेरा की जोन भारत का मोरे जिला के मोरे से आज से दस साल मोरे की पढ़ना था सुनने के बाद दोनों विपक्ष हमारे जोन से कुछ बुरी है जौनपुर में इस दीपक आगे मिलना चाहिए। जौनपुर के दीपक के पूरे पूरे देश को किस के पास मिलना चाहिए। इन अपेक्षाओं के साथ मैं जौनपुर के लोगों से बात के पेश रखता हूं कि आज भले ही हमारे बीच में सारा काम हो रही नहीं है, लेकिन जौनपुर से एक नहीं कई बार साथ मोड़ा फिर सत्या होने चाहिए, जिससे कि सामाजिक पूर्ण आंदोलन की लड़ाई को आगे बढ़ाई जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः अपनी ओर से मन पर बैठे हुए सभी अपने नेता साथियों की ओर से और सामने बैठे हुए अपने समस्त भाइयों बहनों नौजवानों सर्वाई जनों की ओर से कोट को नमन वंदन करते हुए सभा सुमन अपील करता हूं और अपनी बात पर विराम देता हूं। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय समाज भारत।